नमस्कार किसान भाइयों, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान प्रत्येक वर्ष अपने प्रदर्शन प्लॉट पे नई नई किस्मों को यहाँ पे लगाता है ताकि दूर दराज से जो किसान आए यहाँ पे देख सके और नई नई तकनीकी का अवलोकन कर सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज की तारीख अगर देखा जाए तो 24 जून 2024, और आज हमने ये प्रदर्शन प्लॉट की बोनी यहाँ पे शुरू की है और BBF पद्धति से हम इसकी बोनी कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ट्रैक्टर से जो चलने वाला यंत्र है उसको BBF सीड ड्रिल कहते हैं, और जिसमें 5 कतारें यहाँ पे बोई जा रही है और 5ों कतारों के बाद में जो है ये नाली बनती है। आप इस प्रकार से आप नालियाँ देख रही है, और जब ये ट्रैक्टर यहाँ से वहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आता है पुनः उसी नाली के ऊपर चलता है तो बहुत गहरी गहरी नालियाँ बनती जाती है। तो ये BBF पद्धति से का एक तकनीकी है, और बाकी कुल 11 किस्मों के आसपास यहाँ पे लगाई जा रही है। उसमें आप देखेंगे कि जो परंपरागत किस्में किसानों के खेतों पे लगाई जाती है, JS 5560 है, NRC 138 है, NRC 150, NRC 152, NRC 181, NRC 165, NRC 157, NRC 142, फिर JS 2172, फिर RVSM 2011-35, ये सब किस्में यहाँ पे प्रदर्शन के लिए लगाई जाती है। और BBF पद्धति आप यहाँ पे देखोगे, जितनी भी सोयाबीन की नई तकनीकी है, कीटिया रोग प्रबंधन, पोषण प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, वो यहाँ पे अपनाया जाएगा और वो यहाँ पे किसान यहाँ पे आके इस तकनीकी का अवलोकन कर सकते हैं। तो ये है BBF पद्धति, और खरीफ 2024 के प्रदर्शन प्लॉट में ये लगाई गई है भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में। ये जो कुछ किस्में हैं, कम समय में पकने वाली किस्में हैं जो कि 90 दिन के अंदर में पक जाती है, और कुछ किस्में हैं लगभग 100 से 105 दिन में पक जाती है। तो ऐसा हमारा मानना है कि जैसे कि ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे एक साल में 2 फसलें लगाते हैं, जैसे कि सोयाबीन के बाद में सीधे गेहूँ या चना लगाते हैं, तो ऐसे स्थिति में किसान लोग ऐसी किस्मों को प्राथमिकता दे जो कि मध्यम समय में पक जाए, यानी 100 105 दिन के आसपास। लेकिन ऐसी जो क्षेत्र है जहाँ पे 3 फसलें लगाते हैं साल में, जैसे कि सोयाबीन के बाद में आलू या अदरक लहसुन प्याज वगैरह ये लगाते हैं, और उसको निकालने के बाद में जो किसान गेहूँ चना लगाते हैं, तो ऐसे क्षेत्र में सोयाबीन की बहुत ही कम समय में पकने वाली किस्में यहाँ पे लगाना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में आप यहाँ पे देखेंगे कम समय में पकने वाली जो किस्में हैं, जैसे कि NRC 138, NRC 150, NRC 152, NRC 181, NRC 165, NRC 157, ये सभी जो है ना 90 दिन के अंदर अंदर पकने वाली किस्में हैं, वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो उससे ज़्यादा यानी मध्यम समय में पकने वाली किस्में, जिसमें NRC 142 है, JS 2172 है, RVSM 2011-35 है, ये किस्में आप मध्यम समय में यानी 100 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे प्रदर्शन प्लॉट में देखने को मिलेगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि संस्थान के जो प्रदर्शन प्लॉट का भ्रमण करें। आमतौर पे अगर देखा जाए तो सबसे उपयुक्त समय होता है कि सितंबर महीने में, जब सोयाबीन में फलियाँ लगना प्रारंभ हो जाता है, उस समय पे आओगे तो बहुत बढ़िया आपको खेत देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूर यहाँ पे पधारें। धन्यवाद।